चस्का रस्का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरी की लॉन्जी। कैरी की लॉन्जी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कैरी की लॉन्जी के लिए मैंने लिए 4 कच्ची आंबी। अब हम अपनी आंबी को ऐसे छील लेंगे, सारी आंबियों को। मैंने 4 आंबी ऐसे छील के रख ली है। अब इनको हम ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने सारी आंबी इस तरीके से कट करके रख दी है। एक मिक्सी में हम थोड़े से मिंट लीव्स लेंगे और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लेंगे। इसमें मैं 3 हरी मिर्च ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। 2-3 टेबलस्पून में इसमें पानी डालना है और इसको हमें ग्राइंड करना है। ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ऐसे ग्राइंड कर लिए। कैरी की लॉन्जी के लिए मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है, 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ ली है और 1 टीस्पून हमने कलौंजी ली है। एक कढ़ाई में आप मस्टर्ड ऑयल लेंगे 3 टेबलस्पून और ये जो कैरी की लॉन्जी है ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनेगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। इसको हम गरम करेंगे। इसमें अब मैं अपना अजवाइन डाल दूंगी, मेथी दाना डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी, सौंफ ऐड कर देंगे हम और कलौंजी ऐड कर देंगे। इसको 20-25 सेकेंड्स हम रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, थोड़ा रोस्ट करेंगे। मैंने अभी फ्लेम जो है अपनी सिम कर ली है। जब हम ऑयल गरम कर रहे थे तो हाई फ्लेम पे कर रहे थे क्योंकि अगर हमारा ऑयल कच्चा रह जाएगा तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, और अगर अभी हम हाई फ्लेम कर देंगे तो ये जितने हमारे मसाले हैं सौंफ, कलौंजी, मेथी सब जल जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। हमारे मसाले भुन गए हैं। अब हम अपने अब हम मिक्स करेंगे। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और ये बनने में जितनी इजी है ये खाने में उतनी ही यम्मी है। इसमें मैं अब 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर दूंगी। ग्लास वाटर इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट मैं थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ इसमें क्योंकि मैं इसमें थोड़ी देर बाद काला नमक भी ऐड करूंगी। इसमें 3-4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है और इसमें ज़्यादा नहीं 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अब इनको मिक्स करेंगे हम। हमने इसमें हल्दी इसलिए कम ऐड की है क्योंकि हमें कलर येलोइश फॉर्म में ज़्यादा नहीं चाहिए। हम इसको कवर कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे हम 3-4 मिनट्स हाई फ्लेम पे। 3-4 मिनट्स हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी हल्की हल्की सी गल गई है हमारी कच्ची आम भी। इसमें अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 200 ग्राम जैगरी ली है गुड़, इसको मिक्स कर देंगे और इसको इसके साथ बॉईल करेंगे।
मैंने लेड लगा दिया है, अब इसे बॉईल होने देंगे हम। ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसमें अब हम जो मैंने हरी चटनी, पुदीना और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें मैं अब 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दूंगी, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें जेगरी ऐड कर ली थी बट मैं इसमें शुगर भी ऐड करूंगी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर ली है, और आप शुगर और जेगरी अपनी आंबी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आंबी ज्यादा खट्टी है तो आप उसमें थोड़ी चीनी या गुड़, जेगरी उतनी ज्यादा ऐड कर लें। अब इसे हम कवर कर लेंगे और सिम फ्लेम पे इसे हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी हो गई है, और आप यकीन मानिए आपने आंबी की लौंजी, कैरी की लौंजी बहुत खाई होंगी, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको जरूर बनाएं एक बार और टेस्ट करें, और फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हम अपनी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी रेडी हो गई है कैरी की लौंजी।